नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आज गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। इस अवसर पर बीएसई के पोडियम से अपनी बात रखते हुए कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा भावुक हो गए। ज्ञात हो पेटीएम लिस्टिंग समारोह के दौरान जैसे ही राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ 43 वर्षीय शेखर भावुक नजर आए। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तस्दुक हुसैन मुफ्ती को पूछताछ के लिए तलब किया है। मुफ्ती मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री रहे हैं। तस्दुक हुसैन को गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। उधर प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 10,197 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। अब देश भर में कोरोना के सक्रिय मरीज 1,28,555 हो गए हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या नए मिलने वाले मरीजों की तुलना में ज्यादा हुई है। बीते रोज 12,134 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, इस राहत के तौर पर लिया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2022 में सीबीएसई और आईसीएसई आईएससी बोर्ड टर्म वन परीक्षाएं हाइब्रिड मोड में कराने की छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। टर्म वन बोर्ड परीक्षाएं अब ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन परीक्षाएं देने का विकल्प नहीं मिलेगा। ताइवान ने अपनी वायुसेना में F-16 लड़ाकू विमान के सबसे उन्नत संस्करण तैनात किए हैं। स्वशासित द्वीप ने चीन से बढ़ते खतरों को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा दी हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बृहस्पतिवार को चियाली में वायुसेना अड्डे पर 64 उन्नत F-16 वी लड़ाकू विमानों को बेड़े में शामिल किया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन अब प्री कोविड की तरह सामान्य होकर चलने लगी है। स्पेशल का टैग हट चुका है, किराया भी घट चुका है। 600 दिनों से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद ट्रेन सामान्य हुई है। ऐसे में कई ऐसी ट्रेनें होंगी जिनका नंबर आपके जहन में उतर चुका होगा। ज्यादातर ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ लगे थे और अब हट चुके हैं। उनके पहले एक या दो समेत जोनल रेलवे को अलॉट किए गए नंबर जुड़ गए हैं। कोरोना से पहले जो ट्रेन चल रही थी वो अब धीरे धीरे खुल रही हैं। इन्हीं में से एक ट्रेन थी टाटा कटिहार, जो बुधवार से शुरू हो गई है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो इसे रात 9:15 टाटा नगर रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना करते देखे गए। इस ट्रेन को दोबारा चालू कराने के लिए सांसद ने अथक प्रयास किया था, जिसका असर भी हुआ। रवि किशन ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में पूछने पर कहा कि जनता उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में एक बार फिर से विकास को चुनेगी। हमने उत्तर प्रदेश में परिवारवाद के खिलाफ विकास को खड़ा किया है। राज्य की जनता ने प्रदेश में विकास को देखा है। एक्सप्रेसवे से लेकर स्कूल कॉलेज तक खुले हैं। हमारा दावा है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट जीतेंगे। जनता इस बार फिर से चुनाव में राज्य के विकास पर मुहर लगाएगी। बिहार में इन दिनों जहरीली शराब कांड ने सरकार की नींद खराब कर दी है। इसे लेकर बिहार के मुखिया परेशान है। दो दिन पहले ही इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में कई तरह के कड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं शराबबंदी को सफल करने के लिए अब सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सबसे कड़क अधिकारी के पाठक को दे दी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार वापस आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक को निबंधन उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। एक अदालत ने बुधवार को डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक डांस के कार्यक्रम को कथित रूप से रद्द करने और टिकट धारकों को पैसा नहीं लौटाने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीते दिन कई विवादित बयान दिया है। उनके बयान पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। शिवसेना सांसद गोपाल तुमाने ने इसको लेकर अपने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्होंने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को क्या करके पद्मश्री मिला है, किसके पांव चाटने से, क्या क्या चाटने से ये पद मिला है, ये दिल्ली के सभी सांसद और विधायक बहुत अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर कविता चोरी का इल्जाम लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी बुधवार को चित्रकूट पहुंची। उन्होंने पहले मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर आरती की, फिर मंदाकिनी की जलाधारा में बने मंच से महिलाओं से बातचीत की। भारत कल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021-25 के कार्यकाल के लिए 164 मतों के साथ फिर से निर्वाचित होने में कामयाब रहा। भारत को एशिया और प्रशांत देशों के समूह 4 के लिए फिर से चुना गया है, जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइसलैंड और चीन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रजापति की डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति से जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम आज बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार के बनने के बाद सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए हैं, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया है, उसी वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए अत्यावश्यक सहायता मुहैया कराने के त्वरित प्रावधानों को सक्षम बनाने के खातिर अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का इच्छुक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आयकर अधिकारी, आईटी और आईटी सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा अधिकार, क्रेडिट अधिकारी, अर्थशास्त्री सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए 23 नवंबर 2021 से ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 17 दिसंबर 2021 तक चलेगी। पेटीएम के शेयर आज यानी कि 18 नवंबर 2021 को बीएसई एनएसई पर कमजोरी के साथ लिस्ट हुए। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के आईपीओ के तहत इसके शेयरों की लिस्टिंग काफी निराशाजनक रही। बीएसई पर पेटीएम का शेयर 1955 रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1950 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ है। पेटीएम के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई पर 9.07% एनएसई पर 9.30% नीचे हुई है। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में इस साल भारत 5 पायदान नीचे खिसककर 82वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल वो 77वें स्थान पर था। रिश्वत के खिलाफ मानक स्थापित करने वाले संगठन ट्रेस की सूची 194 देश, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम को दर्शाती है। हिंदुस्तान के खिलाफ शाहबाज चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी संसद में पेश रिपोर्ट से पूरी दुनिया में विश्वासघाती ड्रैगन बेनकाब हो गया है, जिसमें बताया गया है कि गलवान में करारी शिकस्त के बाद चीन ने भारत पर कई साइबर हमले किए थे। देश की आजादी को लेकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर की गई टिप्पणी को लेकर झारखंड के धनबाद जिला अदालत में दो अलग अलग मामले दर्ज कराए गए हैं। दोनों के खिलाफ जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला समेत अन्य कुछ जिलों के शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसको वापस ले लिया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदुवाद बनाम हिंदुत्व बहस से खुद को दूर कर लिया है। कहा है कि पूरे मामले और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का विचार व्यक्तिगत था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने संवेदनशील बहस से खुद को दूर करने की कोशिश की है। संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पड़ने की खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से ये पहली बार है जब संयुक्त किसान मोर्चा में मतभेद सामने आए हैं। इसको लेकर हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब के किसान नेताओं को झूठा और विश्वासघाती बताया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनसे उनका ठिकाना पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम ये नहीं जान लेते हैं कि आप कहाँ हो, तब तक सुरक्षा नहीं देंगे। धार्मिक आजादी के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देश की लिस्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान के साथ ही तालिबान को लेकर भी विशेष चिंता जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हो गया है। यह हादसा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हुआ। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू सदस्य थे और सभी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करेंगे। डिनर के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली नई चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बापू के प्रपौत्र तुषार गांधी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि थप्पड़ मारने वास्ते दूसरा गाल देने के लिए गांधी से नफरत करने वालों की तुलना में अधिक साहस की आवश्यकता होती है। बिहार की राजनीति में नई नई एंट्री करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा संतोष मांझी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को लबड़ा यानी कि झूठा करार दिया है। श्रीमती मांझी अक्सर अपने विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब तक वो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की बहन रोहिणी आचार्य पर ही कटाक्ष किया करती थी, लेकिन इस बार श्री यादव पर निशाना साधा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नन्नू कुमार, अंकित यादव, संजन कुमार, भागेलू शाह, लर्न बाय RRR मैथ्स, GK, अंकित यादव, क्रांति पासवान, नितेश कुमार, एंटोनी यादव, एहसास रिशु, HSB कतर अपडेट। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल इस प्रकार है, आपके अनुसार वायु प्रदूषण बढ़ने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।